भगवान श्रीहरि के चरणों का सेवन कर। बेटा तेरा कल्याण होगा। अब तू श्री जमुना जी के तटवर्ती इस पवित्र मधुवन में को जा, वहां श्रीहरि का नित्य निवास है। जल में तीनों समय स्नान करके नित्य कर्म से निवृत्त आसन बिछाकर स्थिर भाव से बैठना, फिर रेचक पूर्वक प्रकार के प्राणायाम से धीरे धीरे प्राण मन और इंद्रिय के दोषों को दूर कर धैर्य युक्त हो मन में परम गुरु भगवान का ध्यान करना। ये जो 44 नंबर श्लोक है, प्राणायाम त्रिव्रता प्राण इंद्रिय मनोमलम शनेर वयोद्यास्या अविद्यायेन मनसा गुरुणा गुरुं प्रसादाय अभिमुखं शश्वत प्रसन्न वदने क्षणं सुनासं सुभ्रुवं चारुकपोल सुरसुंदरं तरुणं रमणीयांगं अरुणोष्ठेक्ष ईक्षणधरं प्रणताश्रयणं नृम्य नृम्न नृणम नृम्न करुणाणवं श्रीवत्सङ्क घनश्यामं पुरुषं वनमालिनीं मालीनं शङ्खचक्रगदा पद्मेर अभिव्यक्तचतुर्भुजं किरीटिनं कुण्डलिनं केयूरवलयं कौस्तुभग्रीवं पीतकोशेयवासं कांची कलाप पर्यस्तम लसत कांचन नूपुरम दर्शनीयतम शांतम मनोनयन वर्धनम पदभ्याम नकमणि शेन्या विलसर्चताम हृत्पद्मकर्णिकाधीष्टन्यम अक्रम्यात्मान्यवस्थितं समयमान अभिध्यायेत् सानुरागावलोकनं नियेतनेकभूतेन मनसा शभं एवं भगवतो रूपं सुभद्रं ध्यायतो मनः निर्वृत्त्या परया तूर्णं संपन्नं नान्निवर्तते जप्यस्य परमो भूयं श्रूयतां मे नृपात्मजा यं सप्तरात्रं प्रप्रठन् पुमान् पश्यति खेचरान् ॐ नमो भगवते वासु मन्त्रणानेन देवस्य कुर्याद् द्रव्यमयुध सर्वैरद्रव्यैरदेशकालविभागवे कहते हैं कि हे बालक तेरा कल्याण हो। तो ये जो यमुना जी हैं इसके तट पर मधुवन में निवास कर। यहाँ मथुरा के पास में ये जगह है, उस जगह का नाम मधुवन है। तो वहाँ पे ध्रुव जी का टीला भी है जिस पर भगवान के दर्शन उनको हुए थे, वो जगह है। कहते वहाँ जाकर तू तीनों टाइम स्नान करना, नित्य कर्म से निवृत्त होना। नित्य कर्म खाना पीना खाने के बाद जो हमको जाना पड़ता है, और यथाविधि आसन बिछाकर स्थिर भाव से बैठना। यथाविधि का मतलब यथाविधि, जैसी विधि आसन बिछाने की वैसे आसन बिछाना। ऐसे नहीं आसन बिछा लिया और चलो बैठ लिए। आसन बिछाने का भी मंत्र होता है, आसन के ऊपर बैठ करके आसन को बैठने का भी मंत्र होता है, आसन से उठने का भी मंत्र होता है।
आसन एक बहुत महत्वपूर्ण और प्रभावशाली एक शक्ति है, जिसको आधार शक्ति की शक्ति प्राप्त होती है। आधार शक्ति मतलब पृथ्वी, उसकी शक्ति प्राप्त होती है। आपने देखा था ना उस दिन आपको करवाया, वो बिना आसन के था। अगर वो आसन से होता तो आप अंदर घुस जाते, निकल नहीं पाते। बिना आसन के और आसन से, दोनों में अंतर है। आसन के ऊपर बैठ के अगर आप ऐसे स्पर्श करते हैं तो उसका मस्तिष्क जो है भीतर जाता है, और अगर शरीर के साथ करते तो शरीर से जो है वो रिवर्स हो जाता है। यहां से जो मिल रहा है वो अंदर रह जाता है, तो वो सर्कुलेट होना एक अलग है, और फिर एक अद्भुत अवस्था होती है उसमें, तो कोई आसन नहीं, वासन नहीं, कुछ नहीं, वो अलग है। तो यहाँ कहते हैं यथा विधि आसन बिछ, यथा विधि आसन का मतलब नाति ऊंचम नाति नीचम चैलाजीत चीन को सूत्रम, ज्यादा ऊंचा आसन नहीं, ज्यादा नीचा आसन का मतलब इतना नीचा भी नहीं कि आप जो है बैठे और बाद में इधर उधर हिलते रहे, ओह करते रहे। इतना ऊंचा भी नहीं कि अगर शुरू हुआ शक्ति का आना शुरू हुआ आप, क्योंकि जब भी हम साधना करते हैं हमारे भीतर जो है पॉजिटिव एनर्जी एंटर करती है। ये चीजें अब कैसे समझाऊं, कोई ऐसा एक माहौल चाहता। पॉजिटिव एनर्जी का मतलब होता है जो भगवान की करुणामयी शक्ति है उसका प्रवेश, जब वो प्रवेश करती है तो उस वक्त व्यक्ति कुछ भी करके आ जाए बाद में सोचता है ऐसे कैसे मैंने कर लिया, ये कैसे हो गया। और जो साधन करता है फिर कहते हैं रेचक पूरक और कुंभक, इन तीन प्रकार के प्राणायाम को धीरे करते हुए प्राण को मन को और इंद्रियों के दोष को दूर करना। देखिए रेचक पूरक और कुंभक मालूम है, वो अनुलोम विलोम, रेचक मतलब निकालना श्वास, पूरक मतलब भरना, कुंभक मतलब रोकना। कभी किया किया जिन ध्रुव जी के चरित्र को महाप्रभु जी ने 100 से अधिक बार सुना, उस पर लिखा है। हमको कराए नहीं, हमारा वैसे ही हो जाता है, लोग कूदते हैं नाचते हैं ना तो उसमें हमने आप भी हो जाता है, लेकिन नहीं, इसका एक अलग विधि, इसका अलग इसका फायदा है। इससे शरीर मन और आत्मा तीनों पवित्र होते हैं। जब हम सांस लेते हैं धीरे धीरे सांस ले, कुंभक सांस को छोड़े रेचक, पूरक कुंभक रेचक, पहले सबसे पहले सांस निकाल दें, निकालें करते करते सांसों का एक अभ्यास बनता है, जिससे इंद्रियां पवित्र होती हैं, मन रुक जाता है, और जब कुंभक कर लेते हैं तो वो प्राण संपूर्ण शरीर में नाम के द्वारा आत्मा को पवित्र जाता है। मिल नहीं रहे, क्या है, इतना देर हो गया, नाम करो आ जाते हैं, इतने दिन हो गए, होगा मन से।
और प्राण अगर दोषों से मुक्त हो गए, नहीं उससे दोषों से दूर होने पर भी धैर्य जो है व्यक्ति का नहीं रहता, नहीं रहता है। धैर्य युक्त होकर के, धैर्य युक्त मन से परम गुरु, परम गुरु कौन है? माधव गोस्वामी। यहां विधि दी है, नेत्र और मुख प्रसन्न होते हैं, प्रसन्न है भगवान, उन्हें देखने से मालूम होता कि वह प्रसन्नता पूर्वक भक्त को वर देने के लिए उद्यत है, तैयार है, आनंद में रहते हैं। उनकी नासिका कपोल बड़े सुंदर है, वो सभी देवताओं से परम सुंदर है। उनकी तरुण अवस्था है, बुढ़े नहीं है, जैसे क्रिश्चियन वगैरह सोचते हैं कि उनके जो है जो गॉड है भगवान जो है वो दाढ़ी वाले हैं, बुढ़े हैं। मुसलमान भी ऐसे सोचते हैं, सिख लोग भी ऐसे सोचते हैं। ठीक है, उन्होंने जिनको ईश्वर समझा वो ऐसे हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर ऐसे नहीं। जो परमेश्वर है वो हमेशा ही एकदम नवीन, नया बच्चा जैसे जौवन प्राप्त हो रहा है, जवान हो रहा है, तरुण अवस्था उसे कहते हैं। सभी अंग बड़े सुडो जैसे करने लगेंगे, भगवान का नाम करने लगेंगे, धीरे 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 जो गुरु जी ने बोला है, जैसे भगवान नारद जी ने बोला, उसका चिंतन करने लगेंगे, वो धीरे धीरे एक रूप जो है भगवान की आना शुरू होगा। कोई व्यक्ति इसे कह सकता है काल्पनिक है, लेकिन काल्पनिक नहीं, काल्पनिक वो होता है जो है नहीं, जो है नहीं उसकी कल्पना करना काल्पनिक होता है, लेकिन जो है उसके बारे में सोचना ध्यान होता है, उसके बारे में चिंतन करना ध्यान होता है, वो काल्पनिक नहीं है, नहीं समझे, वो ध्यान है। और उनके वक्ष स्थल में श्रीवत्स का चिन्ह है, मतलब लक्ष्मी जी का चिन्ह है। उनका शरीर सजल जलधर के समान श्याम वर्ण है, वो सजल जलधर मतलब जब बादलों में पानी होता तो कैसे लगते हैं, यही हैं। किसी ने पूछा, कहते हैं कि आप लोग कृष्ण को काला क्यों कहते हैं, कृष्ण काला भी होता है, कृष्ण का एक अर्थ काला भी है। कृष्ण कहते हैं काला क्यों कहते हैं, उसका जवाब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने बड़ा सुंदर दिया। कहते बताइए समुद्र का जल कैसा है,